जय हिंद, वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है एंड आई एम लायन सर हैविंग 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट बेसिक क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट। सो हमने एक दो क्वेश्चंस लिए हैं बच्चों, और इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, राइट। तो आइए आज देख लेते हैं। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर ट्यूब हैविंग एक्सटर्नल डाया 8 सेंटीमीटर। यानी कि एक कॉपर ट्यूब है जिसका जो है एक्सटर्नल डाया 8 सेंटीमीटर है, राइट। तो एक हम इसको बना लेते हैं। ये हमारा सपोज एक कॉपर ट्यूब है और ये आप देख लीजिए, ये पोर्शन जो बोल रहा है ये इसका डाया है, राइट। और ये कितना है, 8 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए दूसरा बोलता है थिकनेस 5 mm, यानी कि ये हॉलो पोर्शन है, यानी कि इसका जो थिकनेस है, यानी कि ये पोर्शन आप समझ सकते हैं ये ऐसे है। तो ये जो पोर्शन है यानी कि ये ट्यूब जो है हॉलो है। तो अब हमें इसका अब समझाया, और ये इसकी जो थिकनेस कितना है, जीरो, ये आपका है 5 mm, राइट। तो है 5 mm, यानी 5 मिलीमीटर, ओके। ये है सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आपका डाया है, आप इसको बोल सकते हैं डी, और ये आपका थिकनेस है, राइट। यहां आप बोल दीजिए थिकनेस 5 mm, और ये आपका जो है फर्दर लेंथ 5 मीटर। लेंथ कितना है, 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर। नाउ अब हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका दिया है कॉपर इज 1.70 ओम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर आप बोल सकते हैं रो इक्वल टू आपका कितना है, 1.70 ओम मीटर, ओके। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर ट्यूब। हमें जो है इस कॉपर ट्यूब का रेजिस्टेंस निकालना है, राइट। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू रो इंटू, यहां पर हो जाएगा एल अपान ए। तो जहां पर रो हमको पता है, रो दिया है 1.70 एंड एरिया हमें निकालना पड़ेगा, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है वो हम इसको निकाल लेते हैं। तो बच्चों जैसा आप जानते हैं कि ये ट्यूब हमारा है, इसका लेंथ 5 मीटर है और ये जो है डाया इसका 8 सेंटीमीटर है और थिकनेस 5 mm है, यानी कि इसमें दो लेयर है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो हम ये देख सकते हैं कितना मटेरियल इसमें यूज हुआ है, तो वो हम निकाल लेते हैं। और इसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया हम यहां बोल सकते हैं, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 इंटू, हम इसको जो है एक्सटर्नल को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, यानी कि डी स्क्वायर माइनस इंटरनल जो डाया को हम स्मॉल डी ले लेते हैं, डी स्क्वायर, राइट। तो अभी देखिए ये 8 सेंटीमीटर है, हम ए भी लिख सकते हैं, और अंदर का जो है 5 mm, यानी कि ये इधर 5 mm है, इधर 5 mm है, ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4 ब्रैकेट में हो जाएगा पॉइंट, इसको सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में ले लेंगे तो 0.08 मीटर हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 0.08 आपका मीटर में हो जाएगा स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इंटरनल कितना डाया इसका है, क्योंकि 5 mm इधर हो गया, 5 mm इधर हो गया, तो 1 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0.07 का स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर, राइट। ये आपका माइनस हो जाएगा इसमें से। तो अब बचा जो है ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो पाई बाई 4 8 का स्क्वायर माइनस 0.07 का स्क्वायर, ये आप करेंगे तो आपका यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए तो समवेयर आपका आएगा ये 0.00
1178 मीटर स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। ये आपका क्या है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया, इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया और इक्वल टू आपका है ए। ओके, नाउ ए आपको मिल गया यहां पर, तो अब हम इसको इस वाले फॉर्मूला में यानी कि आर इक्वल टू रो एल अपान ए पे डाल देंगे। तो अब हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, इसको क्या हो जाएगा, रो रो हमारा यहां पर दिया है 1.70 ओम मीटर, 1.70 ओम मीटर है इंटू इंटू क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1.70 नाउ आपका L अपान L कितना है 5 मीटर, 5 मीटर अपान एरिया कितना हो गया आपका, ये आपने निकाल लिया 0.001178 मीटर स्क्वायर। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका समवेयर आएगा 72.12 माइक्रो ओम, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया था पहले से इसको, तो ये समय इतना आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका 72.12 माइक्रो ओम आएगा, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया आर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। अब मैं दोबारा आपको समझा देता हूं, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर ट्यूब हैविंग एक्सटर्नल डाया 8 सेंटीमीटर, यानी कि हमने क्या किया, एक कॉपर ट्यूब लिया जिसमें कि आपका एक्सटर्नल डाया और इंटरनल डाया है, बीच में हॉलो पोर्शन है, दिस पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये आपका खाली है, और अब जो है आपका जो भी करंट फ्लो होगा तो ये जो मटेरियल है इसमें से जाएगा, बीच का पोर्शन आपका खाली है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए आपका एक्सटर्नल का जो है एरिया है उसको इंटरनल को माइनस कर देंगे आप, तो आपको ये मटेरियल का पता चल जाएगा यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, यानी एक्सटर्नल का जो है कितना डाया है उसका स्क्वायर माइनस इंटरनल का स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो इससे आपका जो है वैल्यू निकल जाएगी क्रॉस सेक्शन एरिया, जहां पर हमने निकाल लिया है 0.001178 मीटर स्क्वायर। अब आपको एम निकल गया, तो हमें मालूम है आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपान ए, यानी कि रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपान क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा, हमने यहाँ पर फॉर्मूला डाल दिया, हमें मालूम था कि रेजिस्टिविटी इसका जो है 1.70 दिया हुआ है ओम मीटर इंटू आपका लेंथ है 5 मीटर, ये भी दोनों मीटर में है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाय 0.001178, ये मीटर स्क्वायर जो आया है आपका एक क्रॉस सेक्शन एरिया आया हुआ है, तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 72.12 ओम मीटर आ जाएगा, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस ऑफ 1000 मीटर केबल, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द केबल इज 0.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, एंड लेंथ इज इन मीटर, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, तो अभी हमें क्या दिया हुआ है, आपका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी की अपोजिट होती है, या हम बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी आपका हो जाएगा K इक्वल टू 1/ρ, राइट, 1/ρ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हम यहां पर लिख सकते हैं हमारा रो दिया हुआ है 1.70 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 58.8 इंटू 10⁶ ये आपका हो जाएगा मो पर मीटर, ये मैंने पहले सॉल्व कर लिया था तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपका इतना आ जाएगा, ये हमारा हो गया कंडक्टिविटी, राइट। अब हमें क्या निकालना है, कंडक्ट, तो हमें पता है कंडक्ट यानी कि कंडक्टिविटी ये हमारा हो जाएगा जी
इक्वल टू के इंटू ए अपॉन एल। के क्या है? के हमारा वही है जो यहां पर देख रहे हैं आप, वन अपॉन रो, दैट इज के इंटू ए, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दिया है हमारा, यहां पर दिया है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द केबल इज 0.125 cm square, राइट। तो हम इसको जो है कन्वर्ट कर लेंगे cm square को मीटर में, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं इसको, 58.8 × 10⁶, यहां पर हो जाएगा मो पर मीटर, और फिर इंटू क्या हो जाएगा ए, ए हमारा है यहां पर हो जाएगा 0.125 × 10⁴, इसको -4 हो जाएगा, ये अब मीटर में आ जाएगा, ये मीटर में हो गया, राइट। और क्या हुआ, इसको हम डिवाइड कर देंगे लेंथ से, लेंथ कितना हमारा है 1000 मीटर, राइट। तो 1000 मीटर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ओके। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये एक कंडक्टिविटी निकल जाएगा, राइट, यानी कंडक्टेंस। सिंपल है, आप जब भी देखिए अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.735 ohm समवेयर, सॉरी मो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप एक बार इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एंड फॉर्मूला इसमें दो चीजें याद रखिएगा, कंडक्टिविटी यानी कि आपका के इक्वल टू 1/ρ, यानी कि आप समझ सकते हैं कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का जो है अपोजिट होता है, राइट। जैसे आपने रेजिस्टिविटी देखा, ये रो है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का जो है कंडक्टिविटी हो जाएगी, यानी कि अपोजिट हो जाएगा 1/ρ। रो आपको यहाँ पर दिया हुआ था इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारा 58.8 × 10⁶ मो पर मीटर हो गया, ये है वो आपका आ गया इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ। क्योंकि जब हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो लेंथ जो है जितना ज़्यादा आपका लेंथ बढ़ेगा, यानी रेसिप्रोकल होता है, जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा आपके कंडक्टेंस उतना कम होगा। लेकिन रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो कंडक्टर का लेंथ जितना बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया जब आपका बढ़ेगा तो आपका कंडक्टेंस बढ़ेगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें, शेयर करें और दोस्तों को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के मैं टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूं ताकि आप इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।